वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को 6 सितंबर से छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। पीएचडी और लैब की आवश्यकता वाले अन्य छात्रों को कैंपस में आने की अनुमति दी जा रही है। चरणबद्ध तरीके से जेएनयू परिसर को सोमवार से 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। पीएचडी छात्रों को कैंपस में प्रवेश की अनुमति दी गई है ताकि पीएचडी के छात्र तय समय सीमा के अंतर्गत 31 दिसंबर तक अपनी थीसिस पूरी कर लें। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक दिव्यांग छात्रों को भी अब विश्वविद्यालय आने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जेएनयू प्रशासन ने बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि शेष छात्र अभी भी मॉनसून सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन ही करेंगे। ये फेज वाइज जो रिटर्न अभी चालू किया है कैंपस ने, मार्च के पहले भी चालू था। मेरा इसमें यही कहना है कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और 9B जिनको कि पीएचडी में सबमिशन है, सिर्फ पीएचडी के सभी स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, या तो जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, जो हैंडीकैप हैं उनको बुला रहे हैं, और उसके अलावा जो फाइनल ईयर और 9B जिनको सबमिट करना है दिसंबर तक उनको बुला रहे हैं। एक बेहतर कदम, पॉजिटिव कदम कह सकते हैं हम, लेकिन उसमें मेरा सबसे बड़ा यही ऑब्जेक्शन है कि कैंपस को आप बेहतर तरीके से खोल सकते हैं। इंडिया की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी होने के नाते कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ आप कैंपस को पहले से खोल सकते थे और एक मॉडल पेश कर सकते थे कैसे पैंडेमिक में हम बेहतर तरीके से यूनिवर्सिटी को रन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एनडीएमए ने बहुत सी एक्टिविटी 100% कैपेसिटी के साथ, आपका मेट्रो अलाउ है। देखिए ये जो चीजें हो रही हैं, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एज बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, मेरा ये सवाल है कि इस देश में जब बाकी चीजें बहुत ही सरलता और सहजता के साथ चल रही थी, आप भी देखेंगे कि पिछले लगभग सेकेंड वेव अगर ये 2 महीने छोड़ दी जाए तो पिछले या उसके पहले भी जनवरी से हम कंटिन्यूसली ये मांग कर रहे हैं कि कैंपस खोला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मैं पीएचडी सेकेंड ईयर में थी, मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म हुआ था, सेकेंड ईयर लॉकडाउन हुआ था, और अब जब ये कैंपस खुल रहा है मैं पीएचडी फोर्थ ईयर में हूँ। ये 2 साल का जो मेरा ह्यूज लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और मेरी जो पीएचडी है ऐसे विषय पे है कि मुझे फील्ड वर्क करना था, लाइब्रेरी में आर्काइव्स में जाके किताबें ढूंढनी थी, भक्ति मूवमेंट पे मेरी पीएचडी है, बिना मंदिर और मठों में जाए मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। तो इस